आज रात्रि में शयन काल में ब्रह्म बेला जब उपस्थित हुई तो माँ ने एक सपना देखा। वहाँ राम रजनी अवशेषा जागे सपन अस। माँ ने उठते ही प्रभु के श्री चरणों में वंदन करके सपना सुनाया, प्रभु आज मैंने एक सपना देखा। क्या? भैया भरत अयोध्या जी के राज समाज के साथ चित्रकूट आ रहे हैं। भगवान प्रसन्न हो गए। माँ ने स्वप्न का उत्तरार्ध जब सुनाया, साथ में माताएं भी हैं, परंतु उनका आवेश मंगल नहीं जान पड़ता है। जब माँ ने यह सपना कहा कि वेश माताओं का मंगल नहीं जान पड़ता है, तो भगवान थोड़े गंभीर हो गए। भगवान के नेत्र करुणा में प्रवेश कर गए और प्रभु ने लक्ष्मण जी महाराज से कहा, लखन सपन यह नीक न होई कठिन सुना इह को। हे लक्ष्मण जी, यह सपने का जो फल है वो तम नहीं जान पड़ता है। लगता है कोई कठिन और न सुनने वाला समाचार आने वाला है। चलिए मंदाकिनी जी में स्नान करते हैं, भगवान पार्थिवेश्वर की सेवा करते हैं। भगवान ने स्नान किया, संध्या वंदनोपरांत पार्थिव महादेव जी का पूजन किया, आश्रम पधारे। ऋषि मुनि लोग जो आश्रम उपस्थित हुए थे सबको भगवान ने आदर करके प्रणाम किया, आसन पर बैठाया, पूजन किया। और जैसे ही प्रभु बैठे, सन्मान सुर मुनि बंदी बैठे, नभ धूरि खग पिंड गोरि भाजे, विमल प्रभु आश्रम है, तुलसी उठे अवलोकिकारण, कारणित सचकित रहे सब समाचार विराज बोलन, आय ते ही अवसर कहे हाँ, आय ते ही अवसर कहे हाँ, आय ते ही अवसर कहे। ऋषि मुनियों का सम्मान करके परमात्मा सन्मुख बैठे ही थे, उत्तर दिशा से पक्षियों को उड़ने की तड़तड़ाहट भई, पशु लोग आश्रम की ओर दौड़ने लगे। क्यों? कि जीव वहीं जाते हैं जहां उनको संरक्षण प्राप्त होता है, सुरक्षित क्षेत्र भगवान का पावन आश्रम। दौड़े, इतने में कुछ किरात लोगों ने आकर समाचार सुनाया, एक विशाल काय सेना चित्रकूट की ओर चली आ रही। सुनत सुमंगल वे मन प्रमोद तन पुल सरद सरोरुहने, तुलसी भरे सने राजीव नयन के नेत्रों में प्रेम के अश्रु छलक गए। सरद सरे सरोरुह ने तुलसी भरे सने। सपन विचार करते हुए भगवान यह सोचने लगे, लगता है मेरा भरत वास्तविक आ रहा है। अगले क्षण बहुरी सोच बस भेसिय रवनु कारण कवन भरतया, बहुरी सोच बस भेसिय रवनु कारण कवन भरतया, एक आई अस कहा बहुरी सेन संग चतुरंग न तोरी, एक आई अस एक ने कहा अरे जो आ रहे चतुरंगरी सेना लेकर आ रहे, सो सुनि राम ही भाई सोचू इत
भगवान सोचने लगे, भरत वन में आ क्यों रहे हैं? जब मैंने कहा था, गुरुदेव भगवान से निवेदन किया था, भरत जी आए राज सत्ता संभाल कर राज मद में प्रवेश नहीं करेंगे, आज्ञा का उल्लंघन करके भरत जी। एक जब बिल ने कहा कि उनके साथ बहुत बड़ी चतुरंगनी सेना आ रही है, भगवान सोच में पड़ गए। क्यों? मैं निर्वाह किसका करूंगा? भगवान यहां तीन बात सोचते हैं। लगता है मुझे वन में एकाकी जानकर अयोध्या जी की सेना देने भरत यहां आ रहे, अथवा तो भरत जी हमको यहां जानकर पूरी अयोध्या की प्रजा सेना राजसत्ता लेकर यहां आ रहे हैं, जहां भैया वहीं हम। तीसरा, कहीं भरत यह न कहने लगे कि लक्ष्मण जी अयोध्या जी जाएंगे और मैं आपकी सेवा में रहूंगा। सो सुन राम ही भारति सोचो इत पितु अथवा ये तो बंधु सको। मैं पूज्य पिताजी ने जो वचन दिया उसका पालन करूंगा, अथवा भैया भरत के प्रेम का मान रखूंगा। भगवान सोचने लगे, क्यों? भरत जी के स्वभाव से प्रभु ठीक से परिचित हैं। भरत स्वभाव समझ मन माही प्रभु चित्त हित चित्त पाते ना। भगवान के चित्त में भी स्थिरता नहीं आ रही है। क्यों? देखिए, कोई अतिशयशालीन हो ना और कह दे कि आप जो करेंगे स्वीकार है, तो उसके हर निर्णय को करने के बारे में हमको सोचना पड़ता है, बड़ा कठिन काम है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, ये सरल नहीं है। कोई आपसे कह दे भाई हमारा योग से माप जानो, ये बड़ा बोझा का काम है। और जो अपने आप कर रहा है, अरे तनाव मुक्त है साहब, अपने आप कर रहे हैं, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, कोई तनाव नहीं। और जो मोरे सभी एक तुम स्वामी, भरत जी की तो टेक यही है, जो प्रभु आप कहेंगे मैं तो आपके अनुगामी हूं। ये सोचकर भगवान अगला क्षण आया, ये निर्णय है समाधान। तब भायह जानी क्या भरत कहे मऊ साधु से। भगवान को अगले ही क्षण समाधान प्राप्त हो गया कि भरत जी मेरे कहने में रहते हैं, जो कहूंगा वही करेंगे, साधु हैं, स्वभाव सदा है और समझदार हैं, मेरी बात को समझेंगे। इतनी योग्यता प्रभु ने भरत जी में देखी। भरत जी साधु हैं, कहे महु हैं और समझदार हैं, जो समझाऊंगा वो समझ लेंगे, यही चरित्र है भरत जी। किसी मनुष्य के बारे में निर्णय लेना हो तो जो आपकी हर बात माने, उसके निर्णय लेने के लिए तो आपको कोई समय नहीं लगाना पड़ता। हाँ, कह दिया सो कह दिया, अरे जाओ उनके बारे में मैं निर्णय कर लूंगा, जाप जाओ। लेकिन कोई आपकी बात न माने, भैया उनको संभालिएगा, हमारे बस का नहीं, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। भगवान को सोच में देखते ही लक्ष्मण जी की गति बदल जाती है। लक्ष्मण जी फेटा बांध के अपने स्वरूप में आ गए, हद हो गया अब, और क्या क्या कहे आप पढ़िएगा। चूंकि इस प्रसंग पर गुरुदेव भगवान का चिंतन कुछ और है भावार्थ बोधने में, इसलिए इसको मैं प्रणाम करता हूं। बगले में चित्रकूट है, को आफत में पड़ी। यहाँ पर गुरुदेव भगवान लंका पहुंच जाते हैं इस प्रसंग पर,
जो भी हुए लक्ष्मण जी का आवेश जब हुआ आकाशवाणी जग भाई मगन गगन भई लखन बाहु बल विपुल तमारी लखन बाहु बल विपुल तमारी जग भाई मगन आकाश गगन भई वाणी लक्ष्मण जी की भुजाओं की प्रशंसा करके आकाशवाणी बोलते भाई क्या हे तात आपकी भुजाओं को प्रताप और प्रभाव को कौन नहीं जानता, परंतु समझदार व्यक्ति अनुचित उचित विचार करके ही कोई व्यवहार करता है। सहसा कोई व्यवहार कर दे उसके पश्चात बारंबार पश्चाताप होवे बुद्धिमान कहते हैं, वह व्यक्ति बुद्धिमान नहीं। देवताओं की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी को बड़ा संकोच हुआ है। श्री सीताराम जी ने लक्ष्मण जी का बड़ा आदर किया, पास में बिठाया लक्ष्मण।